नमस्कार, स्वागत है आपका प्रकाश टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्माइल चौधरी और आज हम मौजूद हैं एक ऐसी फैशन डिजाइनर के साथ जिन्होंने चंडीगढ़ के साथ साथ उन फैशन डिजाइनर्स को भी प्राउड फील कराया है जो इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। और इन्होंने बता दें कि नेशनल लेवल पे चंडीगढ़ की तरफ से फैशन डिजाइनिंग में अवार्ड विन किया। इनका नाम है अंजलि शर्मा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैम, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सो मच। मैम, जैसे कि हर एक मतलब कह सकते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी गुड, बट जो प्राइवेट सेक्टर्स कह सकते हैं या जो कह सकते हैं कि क्रिएटिव बेसिस जो सेक्टर्स हैं उनमें चंडीगढ़ अभी भी इतना आगे नहीं है। तो आपने अपने करियर को कैसे परस्यू किया, कैसे अपना एम जो अचीव किया आपने? ये जो क्वेश्चन है, अगर आप कुछ साल पहले बोलते तो शायद डिफरेंट होता। डेफिनेटली कुछ साल पहले यहाँ पे फैशन का कोई इतना लोगों को क्रेज़ नहीं था, लोग बहुत नॉर्मल कपड़े पहनते थे। बट मुझे लगता है कि अब मैं पिछले 5-6 सालों से फैशन को चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा पिकअप करते हुए देख रही हूँ, जितना कि मैंने दिल्ली और बॉम्बे में भी देखा। यू नो, सो मोस्टली गर्ल्स आर सो फैसिनेट फॉर फैशन्स एंड डिफरेंट स्टाइलिंग एंड डिज़ाइंस, यू नो। सो अब मुझे नहीं लगता कि वो वाला सिनेरियो जो पहले था कि चंडीगढ़ फैशन में पीछे था, मुझे अब ऐसा लगता है कि इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन चंडीगढ़, लाइक जो फैशन को बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग पहनते हैं। मैम, जैसा कि आपने बोला कि अभी तो है पर पहले नहीं था, और ऑब्वियसली बात है पहले स्टार्ट किया तो उस टाइम कितना डिफिकल्ट रहा? उस टाइम बहुत डिफिकल्ट था बिकॉज फैशन लोगों को समझ नहीं आता था। यू नो, लोग नॉर्मल टेलर्स के पास जाते थे और नॉर्मल कपड़े बनाते थे, लाइक यू नो सूट सलवार और मैक्स ज़्यादा ज़्यादा लहंगा फॉर वेडिंग, यू नो। और जैसे कि अब न्यू आउटफिट्स आ रहे हैं, वो सारा लोगों में इतना था ही नहीं। So that time it was so difficult for me, like, you know, because I did when I done my designing and वापस आई यहाँ पे, so मुझे लगा कि I just waste my designing, you know, because था ही नहीं यहाँ पे कुछ ऐसा जो मैं करूँ। But अभी scenario change है, अब everything is fine, like, you know, people are actually crazy for fashion. और मैम, जैसे कि आपने बात की ट्रेडिशनल, जैसे कि चंडीगढ़ पंजाबी टच के साथ है, हरियाणा टच के साथ है, तो यहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिशनल सिस्टम ज़्यादा है, बट आपने जैसे बताया कि आप वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, तो उस हिसाब से आपको कभी डिफिकल्टी है कि मोस्टली जो आपके पास आ रहे हैं कि ट्रेडिशनल बना के दें हमें, पर आपका जो वेस्टर्न है उस हिसाब से कोई बैरियर्स लगे आपके? बिल्कुल नहीं। आई थिंक चंडीगढ़ में ट्रेडिशनल लोग सिर्फ तब पहनते हैं जब कोई शादी या मौका हो, कोई ऐसा इवेंट हो, यू नो, जो ट्रेडिशनल इवेंट हो, लाइक शादी हो रही है किसी का, कुछ ओकेजन ट्रेडिशनल ओकेजन है। बट अब जनरली आप खुद देखो, आपने वेस्टर्न पहना हुआ है ना, सो अब चंडीगढ़ वैसा नहीं है। चंडीगढ़ में अब मेरे को लगता है कि मेरी जैसी डिज़ाइनर ज़्यादा आ गया, बिकॉज लोग अब डिफरेंट कट्स मांगते हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस मांगते हैं इन फैशन। वो वोग को फॉलो करते हैं, वो वेस्टर्न आउटफिट्स को फॉलो करते हैं, वेस्टर्न डिज़ाइनर को फॉलो करते हैं, और वो मुझे मेरे पास आते हैं कि वी वॉन्ट द सेम ड्रेस सेम कट, जो कि यहाँ पे पहनना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट लोग पहनते हैं, दे आर मोर इन टू फैशन, ट्रेडिशनल में कम है लोग। मैम, जैसे कि आजकल ट्रेडिशनल के साथ भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, इंडो वेस्टर्न ट्रेडिशनल पहने जाते हैं तो उन्हें डिफरेंट तरीके से, जैसे कि वेस्टर्न में, तो आप उस हिसाब से भी काम करते? बिल्कुल, बिकॉज मैं वेस्टर्न एंड इंडो वेस्टर्न मैं दोनों को फॉलो करती हूँ। बिकॉज वेस्टर्न का क्या होता है कि वेस्टर्न में जब हम इंडो डाल देते हैं, इंडो लाइक वेस्टर्न में क्या होता है, हम इंडो डाल देते हैं एम्ब्रॉयडरीज, सो वो वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न बन जाता है, राइट? लहंगाज आजकल चल रहे हैं, लेकिन आप उसको शर्ट में मर्ज कर लोगे तो इंडो वेस्टर्न बन जाता है, यू नो, चोली नहीं पहन रहे हो आप, शर्ट पहन रहे हो आप, रफल्स पहन रहे हो आप, कुछ भी पहन रहे हो, सो वो इंडो वेस्टर्न में मर्ज हो जाता है। सो पीपल आर फैसिनेट, पीपल आर वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ वेस्टर्न एंड इंडो वेस्टर्न। अब मैम, जैसे कि अभी तो आपने अवार्ड जीता, उसके बाद के क्या फ्यूचर प्लान है चंडीगढ़ को लेकर आपके, या फिर नेशनल लेवल पे इसके आगे आप क्या करना चाहते हैं? अभी तो लाइक शुरू हो रहा है, लेट्स सी आगे क्या होता है, बट डेफिनेटली दिस अचीवमेंट इज़ वेरी बिग फॉर मी, यू नो, सो आई डू इसको लेके आई डू बेटर, मोर बेटर। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन कि कोई जैसे कि हर एक एम होता है कि मुझे इस इंसान के लिए डिज़ाइन करना है या इस इंसान के साथ, तो कोई ऐसा है कि इस एक्टर के लिए मुझे एक बार डिज़ाइन ज़रूर करना, वो आपके दिमाग में एक पर्सनैलिटी? यस, सो दैट शी इज़ सोनम कपूर, बिकॉज शी इज़ एक्चुअली अ दीवा,
तो चीज़ वट एवर शी कैरीज लाइक वो बहुत डिफरेंट लगती हैं. सो डेफिनेटली आई रियली वॉन्ट टू डिज़ाइन फॉर सोनम कपूर. ओके थैंक यू. थैंक यू. तो ये थे हमारे साथ अंजलि शर्मा. ऐसे कुछ खास कपड़ों के लिए जुड़े रहिए अर्थ प्रकाश टीवी के साथ. ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें.